काफ़ी सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पर रेशन कार्ड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन सुविधा है, आप बस लॉगिन कर सकते हो। पब्लिक लॉगिन आपको वहां पर करना होता है, अपने मोबाइल से भी आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पहले लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में मान लीजिए, अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेना है तो आपको वहाँ पर बहुत ही महंगा आता है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने के बाद वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, रेसिडेंस, डेथ, बर्थ और भी कई तरीके का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, साथ ही रेशन कार्ड भी बना सकते हैं। लेकिन अभी जो है यूपी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, वहां पर यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में ही एक ऑप्शन को वहां पर ऐड कर दिया गया है, जहां से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को परचेस नहीं कर सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में ही एक ई साथी बोल के वहाँ पर ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। वहाँ से आप फ्री में आईडी पासवर्ड लेके सारे सर्टिफिकेट तो आप ऑनलाइन कर ही सकते हो, लेकिन साथ में रेशन कार्ड को भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में यूपी स्टेट का कैसे वहां पर आप ई साथी में अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हो, और साथ में रेशन कार्ड हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेट क्यों ना हो आप कैसे ऑनलाइन करोगे, मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आएंगे एक लिंक पर, इसका जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ। तो ये है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तर प्रदेश स्टेट का। अगर आप यूपी में हैं तो आप इस पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं। जिनके पास ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी है वो यहाँ पर क्लिक करके अपना ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी पासवर्ड डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पर क्लिक करके स्टेट एडमिन, डिस्ट्रिक्ट डीएसपी एडमिन, अप्रूवल अथॉरिटी, वेरीफाई अथॉरिटी या फिर सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र भी यहां से लॉगिन कर सकते हैं। जिनके पास सीएससी आईडी है वो भी यहां पर लॉगिन कर सकते हैं यूपी स्टेट में, और वो भी सारे सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नॉर्मल लोग जिनके पास कोई भी आईडी नहीं है, बस एक कंप्यूटर शॉप है या फिर कंप्यूटर शॉप भी नहीं है, तो कैसे करेगा? वो क्लिक करेगा सिटीज़न लॉगिन में। यहाँ पर देखिए ई साथी है, एक नया ऑप्शन को यहाँ पर ऐड किया गया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इसके बाद आपको यहाँ पर एक आईडी को चूज़ करना है। इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी इस पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लॉगिन आईडी को लिख दिया हूँ। इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी इस पर क्लिक करूँगा। ये लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, मतलब कि यहाँ पर एक अवेलेबल है बोल रहा है, यहाँ पर ओके करेंगे। इसके बाद नीचे एप्लीकेंट्स का नाम यानी कि आपका नाम को यहाँ पर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा, जेंडर आप यहाँ पर ऐसे डालेंगे। इसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस में आपका फुल एड्रेस डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पिन कोड को एंटर करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, मेल आईडी अगर आपके पास है तो डालेंगे, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा मिलेगा, आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जब आप ये सब कुछ डाल के सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें ओटीपी गया है। अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको सिटीज़न लॉगिन ई साथी पर आना है। इसके बाद यूजर नाम यानी कि आपने जो एक यूजर नेम सेट किया था उसको यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड या फिर ओटीपी आपके पास जो आया है उसे डालेंगे, ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ से ही आप सारा काम कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट में देखिए इंस्ट्रक्शंस है, प्रिंट एप्लीकेशन है, सर्विस फीस पेमेंट है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन है, डिस्पोज्ड एप्लीकेशन है, कॉपी ऑफ रिसिप्ट है, सजेशन है, ये तो खैर आपका ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर्टिफिकेट सर्विस, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, स्टेटस सर्टिफिकेट, अप्लाई न्यू स्टेटस सर्टिफिकेट, मॉडिफिकेशन करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए होम डिपार्टमेंट सर्विस में भी फायर वर्क्स जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, स्टोरेज लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपको खतौनी, आपका जो लैंड रिकॉर्ड का जो आपको पे करना हो तो गवर्नमेंट को कुछ फीस यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, और भी कई ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर रेशन कार्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज में। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 5 सर्विस मिलेगा। पहले है नगरीय विकास विभाग, इसके बाद है प्रशिक्षण और रोजगार विभाग, इसके बाद है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, खाद्य एवं रसद विभाग जो कि नवीन रेशन कार्ड यहां पर आपको मिल जाएगा, साथ ही स्टैंप और पंजीकरण भी आपको यहां पर मिल जाता है। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे नवीन रेशन कार्ड में। इसके बाद आवेदक का नाम को, इसके बाद किसके नाम पर आपको रेशन कार्ड बनवाना है यहां पर डालेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ को यहां पर सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को यहां से चूज़ करेंगे। इसके बाद है यहां पर आवेदक का मोबाइल नंबर यहां पर डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे।
जिसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इसके बाद फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए ई साथी सर्विसेज में आप डिफ़ॉल्ट क्लिक किए रहेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 15 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद आपके पास डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है तो पेमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ में UPI और QR कोड का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के लिए अपना पेमेंट मोड चूज़ करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये पेज ऑटोमेटिकली ही रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हो सकता है ये सर्विस ई साथी का सर्विस अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इस वजह से ये सर्विस अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। फिर भी मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप रेशन कार्ड बना पाएंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा जहाँ से आप देख कर जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ID बना सकते हैं। ID बनाने के लिए यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ID बनने के बाद आपको रेशन कार्ड कैसे बनाते हैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप जाके कुछ दिनों बाद देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और हमसे डायरेक्टली जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिए।